कैसे हैं आप लोग। मैं आपका विकास कुमार अपने YouTube चैनल डफर ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बिहार के आपको ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूं जो रिच कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज में आता है। नहीं समझे तो रुकिए ज़रा, मैं आपको समझाता हूँ, एक हिंट ही देता हूं, तो मुझे आगे आप बताइएगा। जो दुख मिले वो इम्तिहान मेरा, जो दुख मिले वो इम्तिहान मेरा, जो सुख मिले वो वाहेगुरु आशीर्वाद तेरा। समझ गए? नहीं समझे जब तक ढूंढिए, समझिए तो आगे हम मिलते हैं। चलिए हेलो गाइस, आप लोग ने अनुमान लगा लिया होगा मेरे हिंट से, जितने लोग भी लगा ही लिया होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मैं आज गुरुद्वारा पटना साहिब आ चुका हूँ। अब मेरे साथ एक शख्स और भी हैं, जरा उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ, जरा देखिए कौन है। ये तो पहचान के लिए, इनका क्या पहचान हम बताएं, हम आपको क्या रूबरू कराएं। छोड़िए, जो भी हैं जैसे भी हैं अच्छे ही हैं, चलिए कुछ और बातें जानते हैं। ये तख्त श्री पटना साहिब को एक और नाम से भी बुलाया जाता है, तख्त श्री हरिमंदिर जी। ये गुरुद्वारा पटना साहिब में स्थित है। ये जन्म स्थान गुरु गोविंद सिंह का है, जो सिखों के 10वें गुरु हैं। ये गुरुद्वारा महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा बनाया गया था, जो फर्स्ट महाराजा थे सिख एम्पायर के। ये महाराजा रणजीत सिंह ने बहुत सारे गुरुद्वारा बनाए हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट। यहाँ आने पर ऐसा लगता है कि जैसे कि खोने को यहाँ कुछ भी नहीं है, मगर पाने को बहुत कुछ है। ये गुरुद्वारा पटना साहिब रेलवे स्टेशन से मात्र 10 से 15 मिनट के ही दूरी पर। Thank you.
आपसे विदा लेने का समय आ चुका है कि काफ़ी रात होने वाला, जाने में मुझे रात हो जाएगा। और क्योंकि अब जाना तो नहीं जाता हूँ, मगर कहते हैं ना है कि आने के लिए, फिर से आने के लिए जाना पड़ता है। तो एक ज़रूर बात आपसे कहना है कि जाते जाते लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और